आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, किसी व्यक्ति के लिए है कवि बनाना सौभाग्य। तो पिछले जन्म का कोई पुण्य फल होगा जिसने मुझे कवि बना दिया, कि हमारे परिवार में तो कोई कवि था ही नहीं। स्वप्न झरे फूल से नीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से नीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और गम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, स्वप्न झरे फूल से नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाक तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन चली छंद हो हवन चली, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चली, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, स्वप्न झरे फूल से। 1943 में कलकत्ते में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, अखंड कवि सम्मेलन जो 3 दिन 1943 में उन्हें जबकि अकाल पड़ रहा था वहाँ जी, तो मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने जी वो अकाल पीड़ितों की सहायता से वो कवि सम्मेलन किया था जी। तो अखंड कवि सम्मेलन था 3 दिन तक, उसमें मॉर्निंग सिटिंग होती, फिर दोपहर सिटिंग होती, फिर रात सिटिंग होती थी। अरे वाह, समझ लीजिए 3 दिन तक चला था वो कवि सम्मेलन। हो क्या रहा, आदमी आँख तो खुली हुई लेकिन सो रहा है, हर आदमी सो रहे जागृत नहीं, उसको कह रहा हूँ जागृति है जीवन है। कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, अरे वाह, कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डबा गई, सिंगार क्यों सहम गया बहार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ बस इतनी ही तो बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। अरे वाह, अरे वाह, कोई चला तो किस लिए नजर तू डब डब गई। ये क्या है, कविता का धर्म ये भी है कि हारे हुए मनुष्य को चलने की शक्ति दे, किसी दुखी की आंख के आंसू पहुंच सके। ये कविता का बहुत बड़ा धर्म, ये अंतिम उद्देश्य है कविता का। चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, चुप चुप सुबहाने वालो, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, चुप चुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है।